मराठी में सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से सलाम नमस्कार। और बहुत खुशी की बात है कि आज बॉलीवुड और हमारे हिंदुस्तान के लोग मेरी आवाज़ को इतना प्यार दे रहे हैं और ये मराठी में गाना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मराठी लैंग्वेज अपने आप में बहुत अच्छी लैंग्वेज है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह कि शिवाजी महाराज के लिए ये गाना, जो कि बहुत महान थे वो, और मेरी आवाज़ उन पे जाके सूट हुई है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने एक मराठी गाना भी गाया है, क्योंकि मैंने राजस्थानी फोक में गाता ही हूँ, मेरा अपना फोक है वो, और मैंने बॉलीवुड में भी गाया है। सो मराठी गाना पहला मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। एंड थैंक यू, थैंक्स कहना चाहूँगा मेरे डायरेक्टर सर को और म्यूज़िक डायरेक्टर सर सतीश जी को, जिन्होंने ये मौका दिया मुझे। सो आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा। घूमर गाने को काफ़ी ज़्यादा सराहा गया, उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला, तो अब जो है क्या प्लान है और उस गाने को लेकर क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे? घूमर एक्चुअली बहुत बड़ा मेरे लिए ट्रैक, क्योंकि मैंने श्रेया जी के साथ गाया है। एज ए सिंगर अगर मैं बात करूँ तो लोगों ने बहुत प्यार दिया, और एक्चुअली इससे पहले भी राजस्थानी घूमर गाना है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा हिट है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा मुझे प्यार मिला। सो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ एंड थैंक यू सो मच। घूमर एक्चुअली ये मेरे राजस्थानी जितने भी लोग हैं उन सबके लिए सम्मान है, प्यार है। एक्चुअली हमारे डायरेक्टर साहब को पूरा गाना याद है, इसमें जो मेरा पार्ट है वो है थोड़ा नहीं, पूरा गाना मैंने गाया है। हाँ, सो अलाप के हिसाब से मैंने आपको इस गाने को सुनाया है। सो थैंक यू, गाने को बनाया और कंपोज किया और अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा। ये हमारे सर जिन्होंने इस गाने पे पैसे लगाए इस पूरी फिल्म पे, और प्रोड्यूसर सर, और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अच्छी ट्यून दी मुझे गाने के लिए। आप बोलिए सर गाने के बारे में।